हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन कंप्यूटिंग के बारे में। सर, ग्रीन कंप्यूटिंग, जस्ट एंड चेक दिस इमेज, एनवायरनमेंट की इमेज क्या है और ये क्या हो सकती है। ये आपको दिखाया जा रहा है, इट्स अ ग्रीन ग्रीनरी नेचुरल प्लेस। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, सूखा पड़ा हुआ, पेड़ सूख चुका है, हॉट वेदर है एंड ऑल दिंग थिंग्स। ये क्यों ये इमेज लगाई सर? बिकॉज इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात होगी मेरी, कहाँ पे? ग्रीन कंप्यूटिंग में। किससे रिलेटेड बात होगी सर? इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात होगी सर, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात होगी ग्रीन कंप्यूटिंग। पहली बात तो सर, ये ग्रीन कंप्यूटिंग की बात, वो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और वो भी आईटी के सेक्टर में। जी हाँ, आईटी के सेक्टर में, क्योंकि ग्रीन कंप्यूटिंग नहीं है ये, ग्रीन आईटी है। कंप्यूटिंग में गलती से बोल गया, क्लाउड कंप्यूटिंग था, ग्रीन आईटी। सर, ग्रीन आईटी क्या है? दैट इज मोर इफिशियंट, कुछ टर्म्स में आपको बता रहा हूं, दैट इज मोर इफिशियंट एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर में आईटी का यूज करना। मोर इफिशियंट एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर में आईटी का यूज करना, क्योंकि आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ई वेस्ट। सर, ई वेस्ट से आपका क्या मतलब होता है? अराउंड 1 ईयर में या मैक्सिमम 2 ईयर में एवरी इंडिविजुअल, जो भी इंडियंस हैं, अपना मोबाइल फ़ोन चेंज कर रहे हैं। ओल्ड मोबाइल फ़ोन कहाँ जा रहा है सर? पता नहीं। बहुत कम ओल्ड मोबाइल फ़ोन रीयूजबल होते हैं या रिसाइकल में जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप ये देखिए, ई वेस्ट कितना इकट्ठा होता जा रहा है। इवन बैटरीज की प्रॉब्लम बढ़ चुकी है कि जो बैटरीज हैं उनको कहाँ डिस्पोज ऑफ की, कहाँ उनके वेस्टेज को ख़त्म किया जाए। एंड ये जो लैपटॉप्स, टेक्नोलॉजी के लिए जो लैपटॉप्स हुए, अच्छा आप सभी ने रोबोट 2 मूवी देखी होगी, रोबोट 2, उसमें क्या था, नेटवर्क के कारण बर्ड्स मर रही थी, फ्रीक्वेंसी कारण बर्ड्स मर रही थी। वो भी क्या, मेरा इन्वायरमेंट के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ रहा था ना। लैपटॉप हुए, मोबाइल फोन्स हुए, इनके जो मटेरियल यूज होते हैं, मटेरियल जो यूज होते हैं वो कहाँ से आते हैं सर? वो इन्वायरमेंट से आते हैं। पता नहीं कितने ट्रीज काट के वो इन मटेरियल बनाना पड़ता है, पता नहीं कितने ट्री काट के वो मटेरियल बनाना पड़ता है। और जब उस मटेरियल को डिस्पोज ऑफ करना होगा, तो अगर वो हैजेडियस मटेरियल है, बहुत खतरनाक मटेरियल, तो प्रॉब्लम होनी हो जाएगी ना। मान लीजिए, क्या पता वो केमिकल से रिएक्ट कर दिया, या लिथियम आयन की बैटरीज थी, केमिकल से रिएक्ट करी, मोबाइल फ़ोन में लिथियम आयन की बैटरीज थी, मोबाइल तो केमिकल से रिएक्ट करके वहाँ की मिट्टी को कुछ इन्फेक्टेड कर दिया, या लिथियम आयन की बैटरीज ही फटने लगी, तो ह्यूमन लाइफ्स के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो क्या आई के कारण प्रॉब्लम तो हो रही है किसी भी तहत? तो हम क्या सोचते हैं कि जो मटेरियल भी मेरा यूज़ हो रहा है ना इसमें, जो प्लास्टिक एक मटेरियल है, या अदर कोई मटेरियल है, एक्स मटेरियल, तो मटेरियल ऐसा हो जो कि बायोडिग्रेडेबिलिटी के लिए इनेबल्ड रहे, मतलब खुद ही खत्म हो जाए इन्वायरमेंट में। एज एन प्लास्टिक के मटेरियल तो कई सालों तक पड़े रह जाएंगे, वैसा सीन ना रहे और वहां को इन्फेक्टेड भी ना करे, मटेरियल अपने आप डिस्पोज ऑफ हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है, ऐसा हो, इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। अब इन सब चीजों को करने के लिए, इस टाइप का ग्रीन आईटी बनाने के लिए, ऐसा भी नहीं करना है कि हम कोई ऐसी मुहिम चालू कर दें जिसके कारण मेरा वेस्टेज, मतलब मेरी इन्वायरमेंट कम बच रहा हो, उसका नुकसान ज्यादा होता हो। मतलब सर, एज लाइक अगर जैसे बात करते हैं, टिश्यू पेपर बनाते हैं, हमने कहा सेव वाटर, यूज टिश्यू पेपर। अरे टिश्यू पेपर बनाने के लिए भी तो बहुत ज्यादा पानी और प्लांट्स लगते हैं, ट्रीज काट के बनते, तो ये सेव वाटर तो नहीं हुआ कहीं से भी। इसलिए अगर हम ग्रीन आईटी कह रहे हैं, तो ग्रीन आईटी उस तहत करना है कि ओवरऑल इन्वायरमेंट को बेनिफिट हो। बेनिफिट के लिए जो हमारे इक्विपमेंट्स और पेरिफेरल बन रहे हैं, ये हम इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए बनाएं। दूसरा, हम अपनी पावर कंजम्पशन को कम कर पाएं, जैसे कि बल्ब की जगह एलईडी लाइट जल रही है, रोशनी भी ज़्यादा देती है, कंजम्पशन भी कम होता है। थर्ड, हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। रिसोर्सेज का मतलब 50 लैपटॉप्स, अगर किसी कंपनी में 50 लैपटॉप की नीड है, तो 50 मेंबर्स हैं, तो 50 लैपटॉप ना लेके हम केवल 20 लैपटॉप दें, उनमें टाइम स्लॉट डिवाइड करके 20 लैपटॉप से 50 लैपटॉप
का काम निकालने की कोशिश करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने की पूरी कोशिश करें, इस तरीके की बात करती है। या फिर जो डेड होते हैं ना, डेड स्टॉक, मतलब ऐसे मान लीजिए मोबाइल फोन ही डेड हो गया, अब किसी काम का नहीं है, पहले तो हम चार्जेस करेंगे ना कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम केसेस जो है रीयूजेबल हो जाए। जो कंपनी सोल्ड कर रही है वो लाइफ के बाद इनके मटेरियल को कॉल बैक करके इनको रीयूज करें। सर एग्जांपल के लिए एक मोबाइल फोन जो हमारा होता है, अगर ये खराब भी हो गया तो इसके बहुत से इक्विपमेंट्स एज लाइक कैमरा, लेंस, कीज या टच की कोई भी सिम्स, बहुत से सेमीकंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो यूजेबल होते हैं, इनको कॉल बैक करके यूज किया जाए। बिकॉज ये ई वेस्ट बहुत बड़ी टेंशन है आज के जमाने में, क्योंकि नए नए पेड़ काट के हम इनको बना तो ले रहे हैं, लेकिन ये वेस्टेज भी हम डिस्पोज ऑफ कैसे करें। और जो डेड स्टॉक है ना, जो डेड हो चुके हैं, उनका फाइनल डिस्पोजल या फिर इसको किसी भी तरीके से अलाइव कंडीशन या यूजेबल कंडीशन में लाने के कोई चांसेस है कि नहीं, उन सब चीजों को भी देखना पड़ेगा। अब ग्रीन कंप्यूटिंग क्यों करना है ये तो समझ में आ गया सर। इन्वायरमेंट बहुत खतरा पड़ रहा है, लैपटॉप्स बन रहे हैं, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें जो बन रही हैं ये तो पेड़ पौधे काट के आ रही, इन्वायरमेंट से ही निकल रही हैं, तो इनकी इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग से इन्वायरमेंट का लॉस तो बहुत हो रहा है, इसको कैसे सही करें। तो आ गई बात ग्रीन कंप्यूटिंग की, ग्रीन कंप्यूटिंग को फॉलो करने की क्या आ गई बात, ग्रीन कंप्यूटिंग की कुछ आ गई बेस्ट प्रैक्टिसेस। क्या आ गई सर, बेस्ट प्रैक्टिसेस, जिसमें इन्होंने क्या बताया ग्रीन कंप्यूटिंग कैसे करें। पहली बात हम करेंगे डेवलप अ सस्टेनेबल ग्रीन कंप्यूटिंग पॉलिसी। एक पहली बात तो आप पॉलिसी बनाइए, प्लान बनाइए कि कैसे ग्रीन कंप्यूटिंग की जाएगी। दूसरी चीज को अगर हम देखते हैं तो हमें रिसाइकलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, रिसाइकलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा कि चीजें ज्यादा से ज्यादा रिसाइकिल हो। तीसरी बात हम क्या करेंगे, मेक इन्वायरमेंट फ्रेंडली परचेज डिसीजन, मेक इन्वायरमेंट फ्रेंडली परचेज डिसीजन, मतलब सर बता रहा हूं अभी मैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली परचेज डिसीजंस का मतलब, अगर मान लीजिए जो मेरी ग्रीन आईटी के तहत जो लैपटॉप बना है उसकी कॉस्ट है 27,000 रुपीज और जो जनरल लैपटॉप है वो मिलता है हमें 17,000 रुपए का, तो कोई भी इंसान 17,000 वाला लैपटॉप खरीदेगा, बट ग्रीन आईटी का लैपटॉप 27,000 रुपए में आपको महंगा पड़ सकता है, महंगी चीज हो जाएगी, मे बी इसकी पावर कंजम्पशन कम हो, प्रोसेसिंग कैपेसिटी ज्यादा हो, इवन इस वाले की लाइफ भी ज्यादा हो, तो फिर भी हो सकता है ये वाला केवल 2 ईयर्स में खत्म हो जाए और इसकी लाइफ 10 साल तक हो, इसलिए महंगा मिल रहा है। बट ये ग्रीन आईटी फॉलो कर रहा है कि ज्यादा रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, 10 साल तक जहां एक लैपटॉप से काम चल रहा है यहां 5 लैपटॉप लगाने पड़ेंगे, तो यहां पे वेस्टेज ज्यादा हो जा रहा है, फिर भी मेक साउंड डिसीजन लोग नहीं करेंगे, 17,000 वाला लैपटॉप ही परचेज कर लेंगे। ये प्रॉब्लम भी साथ साथ बताया जा रहा हूं ग्रीन आईटी में, क्योंकि एक हेडिंग आएगी आपकी ग्रीन आईटी में क्या चैलेंजेस हैं, उसके लिए ये प्रॉब्लम कॉस्ट इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम बन जाती है। साउंड पॉलिसीज, उसके बाद हम चौथा क्या करेंगे, रिड्यूस पेपर वर्क। भाई ईमेल करो, एम टिकट्स, अब तो मोबाइल पे टिकट्स भेजने लगे, एम टिकट चलने लगी है, ईमेल चल रहा है, अगर आप पेपर पे कोई काम कर रहे हो उसको कट करके रेट चेक कर रहे हैं, सच्चा ट्रैक चेंजेस लगा दीजिए, मतलब पेपर के काम को कम करिए, बोथ साइड पेपर यूज करिए, लॉन्ग एज शॉर्ट एज को यूज करिए, मतलब लॉन्ग एज मत छोड़िए, शॉर्ट एज में ही काम कर लीजिए। पांचवा होता है कंजर्व एनर्जी। एलईडी बल्ब का हम लोग यूज करते हैं ना, क्यों, क्योंकि वो नॉर्मल बल्ब से कम एनर्जी में उतनी उससे ज्यादा लाइट दे देता है। इसी तरीके से एलईडी पैनल का यूज करिए इलेक्ट्रॉनिक में, कैथोड रे ट्यूब, जो पुरानी वाली बड़ी बक्से वाली टीवी आती थी वो, उसका यूज मत करिए, डेस्कटॉप की जगह लैपटॉप यूज करिए, थिन क्लाइंट्स यूज करिए, नोटपैड यूज करिए, छोटे छोटे लैपटॉप यूज करिए बिग साइज की जगह, इसकी बात कर रहा है कंजर्व एनर्जी, ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस कुछ होती हैं। अब जब चैलेंजेस की इस पे बात करोगे ना बेटा, तो चैलेंजेस में अलग ही चैलेंजेस आ गए। पहली बात तो कॉस्ट इफिशिएंट बहुत ज्यादा है, दूसरी बात अगर मैं एक ऑर्गेनाइज, मैंने ग्रीन आईटी, मेरा नाम मिस्टर यू, मैं मिस्टर यू अब ग्रीन आईटी यूज कर रहा हूं, मैंने कहा मैं ग्रीन आईटी यूज करूंगा इस देश के भले के लिए, मैंने ये 27,000 रुपए वाला लैपटॉप खरीद लिया, बट मुझे इसका बेनिफिट ही नहीं दिख रहा है एनवायरमेंट में, कि ग्रीन आईटी फॉलो करके मैंने क्या कर दिया, ग्रीन आईटी फॉलो करके मैंने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट तो दी, बट इसका फायदा क्या हुआ ये दिखता नहीं है, ये फायदा जो इसका जो बेनिफिट हुआ वो दिखता नहीं है, ये प्रॉब्लम है ग्रीन आईटी के, कॉस्ट भी ज्यादा लग जाती है, इसका फायदा भी नहीं दिखता है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करके हमें क्या हुआ। तो ये चैलेंजेस भी हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी क्या होती है पता चल गया, ग्रीन आईटी टोटल क्या क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। ओके ओके सर, अब आते हैं हम अपनी बुक में।
बुक में चलिए पढ़ते हैं, ग्रीन कंप्यूटिंग और ग्रीन आईटी दोनों बात सेम है। रिफर्स टू द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल कंप्यूटिंग ऑफ आईटी, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली आईटी उसकी बात करता है। इन अदर वर्ड्स, देखो ग्रीन बैकग्राउंड में मैंने दिया भी है, इट इज़ अ स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ एस्टेब्लिशिंग यूजिंग कंप्यूटर एंड आईटी रिसोर्सेज इन अ मोर इफिशियंट मतलब रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर लो भाई। ऐसा ना हो जाए कि हार्ड डिस्क खाली पड़ी, नई हार्ड डिस्क ले लिए, तीसरी हार्ड डिस्क ले लिए, चौथी हार्ड डिस्क ले लिए, अरे एक ही में डाटा रखो ना, क्लाउड पे डाटा रखो ना, कुछ भी करो, 50 कीबोर्ड मत ले लो, 20 लैपटॉप मत ले लो, 10 हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मत ले लो, जितनी की नीड है उस नीड बेसिस पे लो, जरूरत ज़्यादा इक्विपमेंट्स मत परचेज करिए आप। एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड रिस्पॉन्सिबल वे, कंप्यूटर कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, देखो कंप्यूटर बनाने में बहुत नेचुरल रिसोर्सेज लगते हैं, फ्रॉम द रॉ मटेरियल नीडेड टू मैन्युफैक्चर देम, रॉ मटेरियल से लेके जहाँ तक वो बनता है, द पावर यूज टू रन देम, उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है, एंड द प्रॉब्लम टू डिस्पोजिंग देम एट द एंड ऑफ देयर लाइफ, उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसको डिस्पोज ऑफ करने की है। आप तो कबाड़ी को दे देते हो, बट इसको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाए बेटा, बहुत बड़ा झंझट है ये। आज की डेट में बैटरीज बहुत बड़ी झंझट है, कहाँ डिस्पोज ऑफ की जाए, और दूसरे ये ई वेस्ट तो बहुत बड़ी झंझट है, मेडी वेस्ट तो फिर भी ठीक है, मेडी वेस्ट, ई वेस्ट, बैटरी से बहुत बहुत झंझट हो चुका है कि कैसे इनको डिस्पोज ऑफ किया जाए। दिस कैन इंक्लूड डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, यूजिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ कंप्यूटर सर्वर्स, दिस कैन इंक्लूड मतलब पूरी ग्रीन आईटी में बात कर रहा है कि इनकी डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल दैट। डिजाइनिंग कैसे बोला, मैंने बोला ना अभी, ये बिग साइज की टीवी, जितने बड़े बड़े मॉनिटर बनाने जगह थिन मॉनिटर्स बनाइए, उस वहाँ से डिजाइनिंग वर्ड उठाया गया। इनकी मैन्युफैक्चर, यूज आप इफिशियंट वे में करिए, फिर डिस्पोज ऑफ कैसे कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सब कुछ मिला जुला के बात करता है, किसमें इंक्लूड करता है, ग्रीन आईटी में। एंड एसोसिएटेड सब सिस्टम सच एज मॉनिटर, प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइसेज एंड नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इफिशियंटली एंड इफेक्टिव विथ मिनिमल और नो इम्पैक्ट टू द एनवायरमेंट, ये सब कुछ इसके जितने भी सिस्टम वो सब इफिशियंटली और इफेक्टिव काम करते हो, जो एनवायरमेंट को ग्रीन से ऐसा ना बना दें, ठीक है, खराब ना करते हो, जो मिनिमल इफेक्ट करते हो, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग इज टू रिड्यूस द यूज ऑफ हैजार्डियस मटेरियल, मैक्सिमाइज एनर्जी इफिशियंसी ड्यूरिंग द प्रोडक्ट्स लाइफ टाइम एंड प्रमोट द रिसाइक्लेबिलिटी ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ डिफंक्ट प्रोडक्ट एंड फैक्ट्री वेस्ट, मतलब खुद से ही ये जितने भी मटेरियल और हैजार्डियस मटेरियल यूज ना किया जाए, हानिकारक मटेरियल यूज ना करें, ज़्यादा एनर्जी मतलब कम वाट के अच्छे से काम करने वाले होने चाहिए, उनकी लाइफ टाइम प्रोडक्ट की अच्छी होनी चाहिए, हम ऐसे प्रोडक्ट को यूज, हम रिसाइकिल करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट यूज करेंगे जो खुद ही इन्वायरमेंट में अपने आप खत्म हो जाते हैं, जब प्रोडक्ट समाप्त हो चुका हो, डेड लाइफ, जो डेड हो गया प्रोडक्ट वो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट में घुल मिल के खत्म हो जाए, लाइक पेपर गल के खत्म हो जाता है, बट प्लास्टिक नहीं, तो पेपर एक अच्छा बायोडिग्रेडेबिलिटी वाला प्रोडक्ट हुआ। ओके ओके सर, सच प्रैक्टिस इंक्लूड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनर्जी इफिशियंट सेंट्रल प्रोसेसिंग, सीपीयू मेरा एनर्जी इफिशियंट होना चाहिए, सर्वर और पेरिफेरल एज वेल एज रिड्यूस रिसोर्सेज कंजम्पशन, जो सर्वर और पेरिफेरल है वो भी कम वाट खाते हों, जैसे लेजर प्रिंटर को बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है अदर प्रिंटर के पेचा, तो कम एनर्जी कंजम्पशन वाले हमें इक्विपमेंट्स यूज करने चाहिए, एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट की कोई पॉलिसी होनी चाहिए जिससे प्रॉपर ई वेस्ट डिस्पोज ऑफ हो सके, क्योंकि ई वेस्ट प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके अब बात किया ग्रीन कंप्यूटिंग प्रैक्टिसेस की, सर क्या प्रैक्टिसेस होती है, किस तरीके से ग्रीन कंप्यूटिंग लाते हैं, और एक दूसरा पॉइंट आएगा ग्रीन आईटी सर्विसेज में चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो चैलेंजेस की बात अगर हम करें तो देखो द सॉल्यूशन प्रोवाइडेड ऑफरिंग, इसमें चैलेंजेस क्या है भाई, सिक्योरिटी सर्विसेज का कुछ कुछ चैलेंज हो जाता है, चैलेंजेस को अगर आप पढ़ेंगे ना बहुत अजीब कुछ टेक्स्ट भी इसमें दिए हुए हैं जिसका कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंस समझ में तो नहीं आता, बट यहाँ पे अगर छोटे मोटे बात पे अगर आप इसके चैलेंजेस को समझने की कोशिश करें तो ये कॉस्ट इफिशियंट वाली मैंने बात आपको बताई थी, ये कॉस्ट लिखूं यहाँ पे, कॉस्ट इफिशियंट बहुत ज़्यादा है, प्लस अगर इसकी और बात करें, इंक्रीज द कस्टमर एनर्जी सेविंग थ्रू ग्रीन सिक्योरिटी सर्विसेज एंड एसेस द हाउ सस्टेनेबल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी कैन इमीडिएटली हेल्प द एनवायरमेंट, ये एनर्जी कंजम्पशन को भी कम कर रहा होता है, और ग्रीन आईटी दोनों के लिए बेनिफिशियल है, ये भी बात यहाँ पे लिखी हुई है। How to evaluate client infrastructure to accommodate green technology is really vital issue. कैसे हम accommodate कर दें green IT को, कैसे हम technological infrastructure को green IT के लिए accommodate करें, ये भी बहुत बड़ा issue है। दूसरी सबसे बड़ी बात ना, मेरी cost तो लग गई but green IT adopt करके इसका क्या effect आया, हम उसको evaluate नहीं कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं सर, evaluate नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ठीक है सर। तो ये जो चैलेंजेस है ना, अगर हमको किसी चीज़ को करने का बेनिफिट ही नहीं दिख रहा है तो इंसान क्यों करेगा, तो ग्रीन आईटी करके
आईटी अडॉप्ट करने के बाद उसका इन्वायरमेंट बेनिफिट नहीं दिखता है तुरंत, इसलिए लोग ग्रीन आईटी की तरफ नहीं ध्यान देते और वो सस्ते 17,000 वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था वाला लैपटॉप परचेज कर लेते हैं, क्योंकि बजट इज अ कंस्ट्रेंट, कॉस्ट कंस्ट्रेंट है। ठीक है, ठीक है सर। अब हम बात करें ग्रीन कंप्यूटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस की, इन्होंने क्या की, बहुत स्पीड में हम चल रहे हैं। देखो यहाँ पे यही सब लिखा है, एनवायरमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन फॉलो करिए, हाउएवर वेल इंटेंशन इज ओनली पार्ट ऑफ एन ओवरऑल ग्रीन कंप्यूटिंग फिलोसफी। गवर्नमेंट की फिलोसफी है कि भाई इनको ग्रीन कंप्यूटिंग चाहिए तो मतलब चाहिए, ग्रीन कंप्यूटिंग होना ही चाहिए। द वर्क हैबिट ऑफ कंप्यूटर यूजर बिजनेस कैन बी मॉडिफाइड टू मिनिमाइज द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबल एनवायरमेंट। वर्क हैबिट, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की वर्क हैबिट चेंज करनी पड़ेगी जिसके द्वारा एडवर्स इंपैक्ट एनवायरमेंट का ना पड़े। सम ऑफ द स्टेप्स कौन से, डेवलप अ सस्टेनेबल ग्रीन कंप्यूटिंग पॉलिसीज। हमको एक सस्टेनेबल ग्रीन कंप्यूटिंग पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हम कैसे एनवायरमेंट को बचाएं, क्या करें। ठीक है, इनवोक शेयर होल्डर, देखिए यहाँ पे लिखा है सम सस्टेनेबल पॉलिसी बनाए, तो यूज्ड इक्विपमेंट हम डिस्पोज कैसे करेंगे यूज्ड इक्विपमेंट का ये बताएं। हम शेयर होल्डर को इन्वॉल्व करेंगे, शेयर होल्डर को जो चेकलिस्ट बनाए रिसाइकलिंग पॉलिसीज पे, कैसे डिस्पोजल हो जा रहा है वेस्ट का, गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉलो हो रही है कि नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में इनकरेज करेंगे आईटी कम्युनिटी को कि बेस्ट प्रैक्टिस को इनकरेज करें। देन कंसीडर ग्रीन कंप्यूटिंग प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस, सॉरी, इंगेज करेंगे द आईटी कम्युनिटी टू यूजिंग बेस्ट प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस यूज करें, मतलब रिसाइकलिंग, लॉन्ग लाइफ टाइम, एनर्जी इफिशियंट को यूज करें, और इनकरेज करें देम टू कंसीडर ग्रीन कंप्यूटिंग प्रैक्टिस एंड गाइडलाइन। ग्रीन कंप्यूटिंग को मेरे सब लोग फॉलो करें, आईटी टीम फॉलो करें, ऑनगोइंग कम्युनिकेट करें सबको ग्रीन आईटी के बारे में, इंक्लूड करें पावर यूजर्स के बारे में, हम उनको बताएं कि रिड्यूस करें पेपर कंजम्पशन को, बोथ साइड पेपर यूज करें, अलग पॉलिसीज उनको बताएं, यूज करें क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे मैंने बताया क्लाउड इज अ शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्सेज, तो क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करें, खुद सिस्टम खरीद के लगाने की जगह, खुद के पास इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद के लगाने की जगह क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करें, जिससे होगा क्या, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन शेयर द सेम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूजिंग इंक्रीजिंग यूटिलाइजेशन बाय मेकिंग मोर इफिशियंट यूज ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज। जो हार्डवेयर क्लाउड वाले ने बना लिए हैं उसको बहुत से लोग जब यूज करेंगे तो इस इतने हार्डवेयर को जो बहुत से लोग यूज करेंगे तो इसका इफिशियंट यूज हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद सर दूसरी बात, पूरी रिसाइकलिंग वाली बात लिखी है कि डिस्पोज ई वॉश को अकॉर्डिंगली सेंट्रल स्टेट लॉ रेगुलेशन करें और जितना रिसाइकिल हो सके उतना रिसाइकिल करें, ई वेस्ट का डिस्पोजल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग किया जाए, डिस्कार्ड यूज्ड एंड अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इन अ कन्वीनियंट एंड एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल मैनर टू कंप्यूटर एमिट हार्मफुल एमिशंस। जितने भी ये डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब ई वेस्ट, जो अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनको सुविधाजनक तरीके से एनवायरमेंट में डिस्पोज ऑफ किया जाए जिससे किसी को हार्मफुल ना हो। ये ऊपर उसके बाद इसने बात करी कि मैन्युफैक्चरिंग मस्ट बी ऑफर सेफ एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑप्शंस, कि भाई मैन्युफैक्चर परचेज कर ले वापस, मतलब खुद ही हमसे वापस ले ले और दूसरा प्रोडक्ट दे, कुछ भी करे लेकिन मैन्युफैक्चर कम से कम सेफ एंड लाइफ की कुछ तो मैनेजमेंट करे, अगर प्रोडक्ट खराब हो गया तो वापस ले ले, भले फ्री में ले रहा हो, रिसाइकिल कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, रिसाइकिल कंप्यूटर थ्रू मैन्युफैक्चर रिसाइकलिंग सर्विस। भाई सबसे बड़ी बात नहीं, रिसाइकिल है तो सब कुछ रिसाइकलिंग के बेसिस पे घूम रहा है। फिर मेकिंग एनवायरमेंट साउंड परचेज डिसीजन, जिसको मैंने आपको वहां पे समझाया था थोड़ा सा, मेकिंग एनवायरमेंट साउंड डिसीजन कैसे था कि इलिमिनेट कर देंगे हम एनवायरमेंट सेंसिटिव मटेरियल्स को। अगर दो तरह के लैपटॉप्स परचेज कर रहे हैं, एक में एनवायरमेंट सेंसिटिव मटेरियल है, इसमें कोई इको फ्रेंडली मटेरियल लिखा है जो एनवायरमेंट अच्छे से घुल मिलकर खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली, भले इसकी कॉस्ट 27,000 रुपए हो और इसकी 17,000 रुपए, फिर भी हम 27,000 वाला ही परचेज करेंगे। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली साउंड परचेज डिसीजन हमें लेनी पड़ेगी, ग्रीन आईटी वाली इक्विपमेंट्स को ही लेने पड़ेंगे, जो ग्रीन आईटी फॉलो करते हैं उन इक्विपमेंट्स को लेना पड़ेगा। रिड्यूस पेपर कंजम्पशन, बोथ साइड यूज करेंगे, ट्रैक चेंज करेंगे कि हम कागज पे प्रिंट निकाल के लाइन बाय लाइन एरर चेक करने की जगह हम डायरेक्ट ट्रैक चेंजेस करते हैं, रिड्यूस करेंगे पेपर कंजम्पशन को, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक अचीविंग करेंगे, ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे, हम ईमेल मार्केटिंग करेंगे, पैम्फलेट या पोस्टर छपवा के कहीं चिपवाएंगे नहीं, लो कॉस्ट ऑनलाइन इनवॉइसिंग कर देंगे, एम टिकट का यूज करेंगे, पेपर वेस्ट कट ऑन पेपर वेस्ट हेल्प कट ऑन पेपर वेस्ट, पेपर वेस्टेज को कम से कम करने करेंगे, कम मार्जिन का मार्जिन, जो प्रिंटिंग मार्जिन कम यूज करेंगे, सेंसिटिव प्रिंट रिक्वायर्ड पेजेस जो होते हैं सेलेक्टिवली प्रिंट रिक्वायर्ड पेज जिनकी जरूरत उसी को पेज करें, इवन टिकट्स और इनवॉइस को भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देखें, अब तो वही सिनेमा हॉल में एम टिकट्स चल ही रहे हैं। तो इस तरीके की इसने बात की, कंजर्व एनर्जी पे अब हम आते हैं। मैंने आपको वहां पे पांच प्रैक्टिसेस कुछ बताई थी, की पांच प्रैक्टिसेस मैंने क्या क्या बताई थी, वन सेकंड में देख रहा हूँ, ग्रीन कंप्यूटिंग की देखिए मैंने पांच प्रैक्टिसेस जो आपको बताई थी वो कुछ इस तरीके की है, सस्टेनेबल पॉलिसी बनाएंगे, रिसाइकिल साउंड डिसीजन पे मेक साउंड डिसीजन करेंगे, रिड्यूस पेपर और कंजर्व एनर्जी। तो ये चार तो हम पढ़ चुके, कंजर्व एनर्जी के बारे में हम
पढ़ रहे हैं, कंजर्व एनर्जी, सीधी सी बात होती है भाई, एलसीडी पैनल्स को यूज करो मॉनिटर की जगह, कैथोड रे ट्यूब, जो बहुत बड़े पुराने वाले डब्बे टाइप के मॉनिटर होते थे वो ज्यादा एनर्जी कंजर्व करते थे, बट एलसीडी पैनल कम एनर्जी कन्वर्ट करते, तो उनको यूज करो। थिन क्लाइंट्स को यूज करिए, नोटबुक छोटे यूज करिए, पीसीज छोटे यूज करिए, ट्रेडिशनल पीसीज मत यूज करिए, नोटबुक कंप्यूटर रेदर देन डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करिए, पावर मैनेजमेंट फीचर टू टर्न ऑफ, अपने आप सिस्टम पे आप आधे घंटे काम नहीं कर रहे हैं वो स्लीप मोड में चल जाए, इसको ऐसा कोई ऐसे सिस्टम्स वाले ही इक्विपमेंट्स को यूज करिए। उसके बाद ये बात करता है यहाँ पे आपसे पावर डाउन एंड सीपीयू और ऑल पेरिफेरल ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, मतलब प्रिंटर मान लीजिए 15 मिनट तक यूज नहीं हो रहा है तो प्रिंटर अपने आप ऑफ हो जाए, सीपीयू अपने आप फंक्शनिंग ऑफ कर दें, वही स्लीप मोड वाली बात फिर से कहना, ट्राई टू कंप्यूटर रिलेटेड टास्क ड्यूरिंग द क्या पावर अप एंड पावर डाउन एनर्जी इन सेंटिव पेरिफेरल सच एज लेजर प्रिंटर अकॉर्डिंग टू नीड, मतलब लेजर प्रिंटर को तभी यूज करिए जब आपको उसकी नीड हो, employ alternative energy sources, अरे अब क्या मतलब क्या, ये देखिए कुछ चीज़ें hypothetical यहाँ लिखी हुई हैं, as like power, अगर मेरे पास laser printer है तो मैं laser printer ही use करूँगा, अब बोला इसने employ alternative energy sources, alternate energy sources, electricity के अलावा क्या alternate energy sources, अब मैं क्या solar system तो लगेगा नहीं, but यहाँ पे इसने बोल दिया adapt करें more web conferencing offers instead of traveling and meeting to other to go green and save energy, आप लोगों से मिलिए जुलिए कम, बस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लीजिए, यहाँ पे ये भी बात लिखी है, लेकिन देखिए ग्रीन आईटी कहना क्या चाहता था वो मैंने आपको समझा दिया, और ग्रीन आईटी में जो ओवरऑल जो यहाँ पे लिखा है पूरा वो भी मैंने आपको समझा दिया, ग्रीन आईटी सिक्योरिटी सर्विसेज चैलेंजेस कॉपी को फिर से देख लीजिएगा, वही सब बातें लिखी है जो मैंने आपको समझाई है, बट इनके लिखने का फॉर्मेट है आईसीआई के वर्डिंग्स है मैंने, जो कि बड़ी अजीब तरीके की हैं, फिर भी आप इसको देखना चाहें देख सकते हैं, बट वही दो बातें होंगी, मुझे फर्क ही नहीं पता चलता कहाँ पे क्या हो रहा है, फायदा तो ग्रीन आईटी से दोनों का है, कस्टमर का भी, डीलर को भी, दोनों को बेनिफिट है, कंजर्व एनर्जी होती है, कॉस्ट थोड़ी महंगी पड़ती है, मतलब प्रोडक्ट महंगे मिलते हैं, हमें एनर्जी का कंजम्पशन कम से कम लगता है, और हमें दिखता ही नहीं है कि ग्रीन आईटी फॉलो करके फायदा क्या हुआ जो ग्रीन आईटी फॉलो कर रहा है उसको। ओके ठीक है सर, अब बात करते हैं ब्रिंग योर ओन डिवाइस की, बायोड जो हम बायोड के बारे में समझ रहे हैं, देखिए हो क्या रहा है, बायोड का सेंस क्या है, बायोड दैट्स बी फॉर ब्रिंग योर ओन डिवाइस है सर, बायोड का मतलब ये है, जी हाँ, बायोड में होता क्या है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, इट मीन्स मान लीजिए यहाँ TCS की कंपनी है, TCS के 1000 हैं यहाँ पे, TCS के 1000 एम्प्लॉयज हैं, अब TCS ने 1000 लैपटॉप नहीं परचेज किया और बोल दिया हर एम्प्लॉयज के पास अपना अपना जो लैपटॉप है उसी से TCS का ऑफिस का काम भी कर सकता है, बस एक टूल दे दिया जो इनके लैपटॉप पे चलता है और वो सारा टूल एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है, तो TCS ने समझ लिया एक तरीके का एक टूल, एक सॉफ्टवेयर लगा दिया इन सभी के डिवाइस पे और इन लोगों को अपने ही लैपटॉप से TCS का काम करना पड़ रहा है, सुविधा दे दी गई इन लोगों को, एज लाइक अपने सी ऑफिस में होता है ना, अपने पर्सनल लैपटॉप से हम लोग बना रहे होते हैं रिपोर्ट, ठीक है, आर्टिकल्स अपने पर्सनल लैपटॉप से रिपोर्ट बना रहे होते हैं, वहां पे ये वाली बात आ गई। अब सर इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट नहीं लगी, इसको 50 लैपटॉप्स परचेज करने पड़ते अपने एम्प्लॉयज के लिए, इट मींस यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज थे, मैंने एम्प्लॉयज का नंबर नहीं लिया था, मान लीजिए 50 हैं, 50 लैपटॉप परचेज करने पड़ते, वो इसको परचेज नहीं करने पड़े, और दूसरा एम्प्लॉयज जो है वो अपने ही मतलब ओन्ड डिवाइस पे जब वर्क कर रहे हैं तो वो मोस्ट इफिशियंट वे में, जिस डिवाइस को वो यूज करते हैं वो मोर इफिशियंटली यूज कर पाएंगे, ठीक है, तो ये होता है ब्रिंग योर ओन डिवाइस, अपनी खुद की डिवाइस लाके काम करना, क्या करना, अपनी खुद की डिवाइस लाके काम करना। चलिए पढ़ लेते हैं इस कंसेप्ट को भी, ये भी एक नया कंसेप्ट है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, बायोड रिफर्स टू द बिजनेस पॉलिसी दैट अलाउ एम्प्लॉयज टू यूज देयर प्रेफर्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेज लाइक स्मार्टफोन, कोई स्मार्टफोन से काम करना चाहता है, कोई लैपटॉप फॉर बिजनेस पर्पज, जिस तरीके से जो आपकी सबसे बेनिफिट डिवाइस है आप उसके बेसिस पे काम करिए, इट मींस एम्प्लॉयज आर वेलकम फॉर टू यूज देयर पर्सनल डिवाइसेज, एम्प्लॉय अपने पर्सनल डिवाइसेज यूज करने के लिए वेलकम्ड है, लैपटॉप हो, स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, कोई कुछ भी हो, टू कनेक्ट टू द कॉर्पोरेट नेटवर्क टू एसेस इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन, जिससे
पर्सनल डिवाइस के थ्रू ही वो कनेक्ट कर जाते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, एप्लीकेशन से, नेटवर्क से. द बायोट पॉलिसी हैज रेंडर्ड द वर्क प्लेस फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस सर, कैसे फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस आप बोल रहे हो सर? आपने वर्क प्लेस को फ्लेक्सिबल कैसे बोल दिया? क्योंकि अब ब्रिंग योर ओन डिवाइस है तो आप अपने घर पे भी बैठ के भी तो काम कर सकते हो. यू कैन डू वर्क फ्रॉम योर होम. ठीक है. एम्पावरिंग एम्प्लॉय टू बी मेड एम्पावरिंग एम्प्लॉयज टू बी मोबाइल एंड गिविंग देम द राइट टू वर्क बियॉन्ड देयर रिक्वायर्ड आवर्स. जितने सर 7 से 10 के अलावा आप कभी भी काम करो ना सर, 7 से 10 के लिए करो. 10 से 7 के अलावा आप घर पे बैठ के रात को 9 बजे भी बैंक की रिपोर्ट बना रहे हैं, आर्टिकल्स बिछा रहे. ठीक है. ब्रिंग योर ओन डिवाइस. द कॉन्टिन्यूस इनफ्लक्स एंड ये सब छोड़ो यार, इसके बेनिफिट क्या होते हैं? देखो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ओवर द ऑर्गेनाइजेशन. या क्या होता है, ये चैलेंजिंग है लॉन्ग स्टैंडेबिलिटी पॉलिसी ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर ओन डिवाइसेज में. मैं बात करूँ तो मैं अब आपको ये इतना समझा चुका हूँ कि मुझे ये क्या मैं बताऊँ. देखो, इट इंक्रीज इम्प्लॉयज सेटिस्फैक्शन. सर इम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, खुद के डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ. आईटी कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है, डेस्कटॉप कॉस्ट को रिड्यूस करता है. ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय होता है वो खुद ही मेंटेन करना चाहता है, अपडेट करना चाहता है डिवाइस. इट मींस अगर मान लीजिए ये TCS नहीं होता, कोई इंश्योरेंस कंपनी होती, वहाँ पे कोई भी पुराना विंडोज सिस्टम चल रहा है, 7 आज भी चल रहा है, लेकिन अगर ओन्ड किसी इंडिविजुअल का होता है तो तुरंत विंडोज 10 ले चुका होता, तो ये सब दिक्कतें आती. तो अपडेटेड सिस्टम होता जाता है. एडवांटेज ऑफ बायोड. हैप्पी एम्प्लॉय. सर क्यों हैप्पी है एम्प्लॉय? एम्प्लॉय क्यों हैप्पी है? बिकॉज एम्प्लॉय लव टू यूज देयर ओन डिवाइस देन वेन एट वर्क. दिस ऑल्सो रिड्यूस द नंबर ऑफ डिवाइसेज एन एम्प्लॉय हैज टू कैरी. अदरवाइज मतलब क्या होता कि अगर नंबर ऑफ डिवाइसेज कम कैरी क्यों करने पड़े, वरना उसको एक लैपटॉप अपना पर्सनल कैरी करना पड़ता और एक लैपटॉप ऑफिस वाला कैरी करना पड़ता. आपने सेल्स पर्सनल को, आपने कई सेल्स के लोगों को देखा होगा कि इतना बड़ा टैबलेट लेके चल रहे होते हैं जिसपे वो ऑर्डर लेके रहते हैं और अपनी सेल्स की डिटेल देते रहते हैं. बहुत से रिटेल शॉप से अपने सेल्स के बंदों को देखा होगा, तो उनको 2 फोन कैरी करना पड़ता है. एक तो एक टैबलेट कैरी करना पड़ता है जो इनके ऑफिस वर्क का है, और एक इनका पर्सनल मोबाइल फ़ोन भी होता है. अगर इसी मोबाइल फ़ोन पे ये बायोड लगा दें और इस मोबाइल फ़ोन पे ये सॉफ्टवेयर इनको यहाँ प्रोवाइड करा दें एज एन ऐप, तो इस एम्प्लॉय को दो डिवाइस कैरी नहीं करनी पड़ेगी और इस कंपनी को एक एक्स्ट्रा टैबलेट नहीं परचेज करना पड़ेगा. दोनों का यहाँ फायदा हो जाएगा. ठीक है. ठीक है सर. बात करिए अब लोअर आईटी बजट. आईटी बजट लोअर कैसे है सर? सर हमें डिवाइसेस खरीदनी नहीं पड़ती हैं तो आईटी बजट लोअर ही हो जाता है. जैसे कुड इन्वॉल्व फाइनेंशियल सेविंग एंड ऑर्गेनाइजेशन सिंस एम्प्लॉई वुड बी यूजिंग द डिवाइस दे ऑलरेडी पोजेस. जो इसके पास पहले से स्मार्टफोन था उसी को काम कर रहा है, तो हमें आईटी पर नया पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ रही. आईटी रिड्यूस सपोर्ट रिक्वायरमेंट. Reduces support requirement. IT department does not have to provide end user support. IT department, अब भाई इस लैपटॉप पे अगर देखिए, अगर इस एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा तब तो सपोर्ट देगा, बट अगर इसके ओन मोबाइल में और कोई दिक्कत होगी तो इसके लिए IT department को ध्यान देने की जरूरत नहीं है. बट अगर IT department ये लैपटॉप दिया होता तो ये चल नहीं रहा है सर, बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है, जो भी प्रॉब्लम होती है IT department को देना पड़ता, देखना पड़ता. लेकिन जब ये इस अपने ओन्ड मोबाइल पे काम कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क रिलेटेड इशू कि इनका दिया हुआ ऐप या इनका दिया हुआ टूल नहीं चल रहा, सिर्फ इस पे IT department फोकस करेगा, अदर चीज़ों पे नहीं करेगा, जिससे कॉस्ट सेविंग होगी, IT department में होने वाला खर्चा सेव होगा. अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज. मैंने बताया विंडोज 7 चले जा रहा है, लेकिन अगर ओन होता तो विंडोज 10 तुरंत अडॉप्ट करते हैं. इंक्रीज एम्प्लॉय इफिशियंसी. The efficiency of employee is more when employee work on his her own device in an organization provided devices. Employee have to learn and there is learning curve involved it. मतलब अगर खुद की लैपटॉप पे 5 साल से कोई काम कर रहा है ना, तो उस कीबोर्ड पे अपने आप स्पीड तेज हो जाती है. आप ये चीज खुद नोटिस किए होंगे कि आप जिस डिवाइस पे डेली वर्क कर रहे होते हैं, जब अदर डिवाइस पे जाते हैं तो वहाँ पे इफिशियंसी रुक जाती है, स्लो कर जाते हैं. जिस मोबाइल को आप आज यूज़ कर रहे हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर जैसे जिस दिन स्विच करेंगे न्यू मोबाइल लेंगे ना, आप 4 डेज तक आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, आप ऐप्स खोज रहे होंगे कौन सा किधर है. ठीक है. तो यही अगर ओन डिवाइस यूज करता है तो उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है. अब इमर्जिंग बायोड थ्रेड्स. बायोड में कुछ थ्रेड्स भी हैं. अब हम बात करेंगे सर वो थ्रेड्स क्या है. बायोड थ्रेड्स, देखिए थ्रेड्स को अगर हम समझें, TCS का एग्जांपल हमने लिया था जिसमें ब्रिंग योर ओन डिवाइस था. क्या TCS के पास सेंसिटिव डाटा नहीं होता है? सर TCS के पास तो काफ़ी सेंसिटिव डाटा होता है.
तो टीसीएस ने अगर सारे के सारे एम्प्लॉयज अपनी डिवाइस लेके आने लगे तो सेंसिटिव डाटा स्टील हो सकती है, चोरी हो सकती है। हाँ सर, एक नंबर ये बात तो हो सकती है। दूसरा, टीसीएस को पता ही नहीं चलेगा कि कितने लोग नेटवर्क में जुड़े हैं, इसके नेटवर्क में कितने लोग ऐड हो रहे हैं। कभी ये अपना ये टैबलेट जोड़ता है फिर हटा देता है, दूसरा जोड़ता है, अपना टैबलेट जोड़ा अभी हटा दिया, इसने अपना लैपटॉप जोड़ रखा है। तो नंबर ऑफ काउंट पता ही नहीं चलेगा कितने लोग जुड़ गए हैं। इवन क्या पता एम्प्लॉय के भेस में आके हैकर यहाँ से जुड़ के पूरी टीसीएस की बैंड बजा रहा है। तीसरी चीज, इस टीसीएस के नेटवर्क में अगर कोई वायरस आ गया तो उससे इन सभी के सिस्टम में जाने के चांसेस हैं। अब अगर टीसीएस स्कैन करने गया तो हो सकता है कोई कोई सिस्टम छूट जाए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि 50 लैपटॉप कनेक्टेड है या 150 लैपटॉप कनेक्टेड है। तो हो सकता है कि स्कैनिंग में कुछ छूट जाए। या फिर एक और चीज हो सकती है कि ये जो इतने लोग हैं जो टीसीएस का एप्लीकेशन या टूल यूज कर रहे हैं, टीसीएस के ऑर्गेनाइज डाटा के टीसीएस ऑर्गेनाइजेशन का डाटा यूज कर रहे हैं, इनकी जो पर्सनल लैपटॉप है इसका वायरस इनके नेटवर्क में चल जाए, टीसीएस के सिस्टम में चल जाए इनके पर्सनल डिवाइस से, ये भी पॉसिबल है। तो बायोड से दिक्कतें बहुत हैं बेटा, कम नहीं है, बायोड की दिक्कतें हैं बहुत ज्यादा। उन्हीं की बात अभी यहाँ पे ये करता हुआ चलेगा। चलिए देखते हैं बायोड की दिक्कतें के बारे में, दिक्कतों के बारे में, समस्याओं के बारे में। एवरी बिजनेस डिसीजन इज ए कंबाइंड विथ सेट ऑफ थ्रेड्स एंड सो बायोड प्रोग्राम टू, सब पे सारे डिसीजंस पे हम थ्रेड्स को नजर लगाते हैं तो बायोड पे भी प्रॉब्लम्स को समझेंगे हम। इट इज नॉट इम्यून फ्रॉम देम, बायोड में भी कुछ समस्याएं हैं। एज आउटलाइन दिस गेट, गार्टनर सर्वे अ बायोड प्रोग्राम दैट अलाउ एक्सेस टू कॉर्पोरेट नेटवर्क, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है सर, अलाउ कर रहा है कॉर्पोरेट नेटवर्क का एक्सेस किसी एक पर्सनल कंप्यूटर को। सोचिए कॉर्पोरेट नेटवर्क एक्सेस पर्सनल कंप्यूटर को मिल गया, उसके ईमेल्स, उसके क्लाइंट डाटा, वन ऑफ द टॉप सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी, बायोड में सिक्योरिटी तो सब कुछ है, जैसे बायोड आता है सिक्योरिटी खत्म हो जाती है, ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, इंटरप्राइज ओवरऑल द रिस्क कैन बी क्लासिफाइड इंटू 4 एरियाज आउटलाइंड, चार तरीके के रिस्क को हम, जो सिक्योरिटी के ही चारों तरफ ये रिस्क भी घूम रहे होंगे, सुनते जाइए। नेटवर्क रिस्क, इट इज नॉर्मली एग्जाम्पलीफाइड एंड हिडन इन लॉक ऑफ डिवाइस विजिबिलिटी व्हेन कंपनीज ओन्ड डिवाइसेस, जब कंपनी खुद डिवाइसेस लेती है, आर यूज्ड बाय ऑल एम्प्लॉयज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो सारे एम्प्लॉय उसको ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन आईटी प्रैक्टिस हैज कंप्लीट विजिबिलिटी डिवाइस कनेक्टेड टू नेटवर्क, तो कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट को पता होता है कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड है उनसे। ठीक है, दिस हेल्प्स टू एनालाइज ट्रैफिक एंड डाटा एक्सचेंज ओवर द इंटरनेट, जिससे ट्रैफिक के बारे में पता चल जाता है। अ बायोड परमिट एम्प्लॉय टू कैरी देयर ओन डिवाइसेस, स्मार्टफोन, लैपटॉप, बिजनेस फॉर बिजनेस यूज। द आईटी प्रैक्टिस टीम इज अनअवेयर अबाउट द नंबर ऑफ डिवाइसेस बीइंग कनेक्टेड टू द नेटवर्क, आईटी टीम को पता ही नहीं चला है कि कितने डिवाइस कनेक्ट हो रहे हैं नेटवर्क से, कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस। एज नेटवर्क विजिबिलिटी ऑफ द हाई मेंटेनेंस, सॉरी हाई इंपॉर्टेंस, नेटवर्क की विजिबिलिटी, कितने एक सिस्टम कनेक्ट हो रहे हैं ये विजिबल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द लैक ऑफ विजिबिलिटी कैन बी हैजार्डियस, और अगर ये हमको नहीं पता है तो मेरे लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ वायरस हिट्स टू द नेटवर्क द एंड ऑल द डिवाइसेज कनेक्टेड टू द नेटवर्क नीड बी स्कैन, अगर वायरस हिट कर गया ना तो जितनी भी डिवाइसेज कनेक्ट थी उनको स्कैन करने की जरूरत है, और अगर हमको पता ही नहीं है वो काउंट 150 डिवाइसेज कनेक्ट थी या 50 डिवाइसेज कनेक्ट थी तो प्रॉब्लम आ जाती है। इट इज अ प्रोबेबल दैट सम ऑफ द डिवाइस वुड मिस आउट ऑन दिस रूटीन स्कैन ऑपरेशंस, कुछ हो सकता है भाई, हमें क्या पता, हमें पता होता है 150 थी तो अगर 179 स्कैन किए तो हम एक खोजते, लेकिन हमें पता ही नहीं कितनी स्कैन हुई है, तो हो सकता है कुछ स्कैन से छूट जाए। इन एडिशन टू दिस द नेटवर्क सिक्योरिटी लाइंस बिकम ब्लर्ड व्हेन बायोड इंप्लीमेंटेड, भाई नेटवर्क की सिक्योरिटी जो है ना वो तो ब्लर्ड हो गई, सिक्योरिटी लाइन ब्लर्ड है, धुंधली पड़ गई सिक्योरिटी, सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं डिवाइस रिस्क की। सर डिवाइस रिस्क क्या है, मतलब डिवाइस रिस्क मतलब लैपटॉप, डिवाइस मतलब लैपटॉप के रिस्क की बात करिए। अब दिस इज नॉर्मली एग्जाम्पलीफाइड एंड हिडन इज लॉस ऑफ डिवाइस, मेरा लैप मेरा एम्प्लॉय आ रहा था बस में, आ रहा था बस में उसका लैपटॉप चोरी हो गया तो क्या हुआ। अ लॉस्ट और स्टोलन डिवाइस कैन रिजल्ट इन एन इनॉर्मस फाइनेंशियल एंड रेपुटेशनल एम्बेरसमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ डिवाइस मे होल्ड सेंसिटिव कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, मेरी इस लैपटॉप में पूरे के पूरे यस बैंक के नेटवर्क की डिटेल थी,
अब ये लैपटॉप चोरी हो जाने के कारण फाइनेंशियल तो हो ही गया, रेपुटेशनल इन्वेस्टमेंट भी होनी पड़ी। अरे भाई, इन्होंने तो यस बैंक का सॉफ्टवेयर बनाया, उसकी सारी डिटेल्स पब्लिक में चली गई, यस बैंक बर्बाद हो जाएगा इस तरीके से। तो TCS के साथ अगर ऐसा होता है तो TCS से अगली बार क्या कोई सॉफ्टवेयर बनवाएगा? नहीं, तो रेपुटेशन फाइनेंशियल लॉस होगा, रेपुटेशन लॉस भी हो गया। डाटा लॉस फ्रॉम स्टोलन और लॉस डिवाइसेज रैंक्स एज द टॉप सिक्योरिटी थ्रेट। और वो जो लैपटॉप अगर कोई हैकर लेके चला गया तो अब तो सिक्योरिटी थ्रेट ही आ गया मेरे ऊपर, एज पर रैंकिंग रिलीज बाय क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस विथ इजी एसेस टू कंपनी ईमेल्स एज वेल एज कॉर्पोरेट इंटरेंट कंपनी ट्रेड सीक्रेट्स। वही यस बैंक का माल, ये कंपनी की ईमेल्स देख सकता है वो जो आदमी लैपटॉप लेके चला गया, कॉर्पोरेट इंटरनेट देख सकता है, कंपनी के ट्रेड सीक्रेट देख सकता है, कैन बी इजिली रिट्रीव फ्रॉम मिसप्लेस्ड डिवाइस। उस मिसप्लेस्ड डिवाइस से वो सब कुछ अगर हैकर है तो देख सकता है। एप्लीकेशन रिस्क की बात अब करते हैं सर। एप्लीकेशन रिस्क, इट इज नॉर्मली एग्जाम्पलीफाइड एंड हिडन इन एप्लीकेशन वायरस एंड मॉलवेयर। A related report relevant that a majority of employee phones and smart devices and were connected to the corporate network where they are not protected by security software with an increase of mobile usage. Mobile vulnerability have increased concurrently. Organization are not clear in deciding that who is responsible for device security, the organization or the user. Sir, ये पूरा क्या कहा कि देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जो यूजर है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस में हमने बोला, आप अपने खुद के डिवाइस लेके आइए। अब आपका जो लैपटॉप था, कितना तेज चल रहा है, आपका जो लैपटॉप था या जो मोबाइल फ़ोन है, आप इस पर 50 वेबसाइट खोल लो, व्हाट्सएप भी खोल लो, एफ बी भी खोल लो। अब ऐसा हो सकता है कि आप एफ बी खोलते हो या कोई अदर वेबसाइट खोलते हो तो उसके कारण आपके ओन्ड लैपटॉप में वायरस आता रहता है, बार बार मॉलवेयर्स आते हैं। अब अगर ये मेरे TCS के ऑफिस में होता तब तो रिस्ट्रिक्शन होती कि FBS पे खुलेगा नहीं या इस ये तरह की वेबसाइट खुलेंगी नहीं, केवल ऑफिस का ही काम हो सकता है, तो आउटर इंटरनेट से वायरस आने के चांसेस नहीं रहते। लेकिन आप पर्सनल डिवाइस यूज कर रहे हो, कोई भी वेबसाइट खोल लो, कुछ भी खोल लो, तो इंटरनेट के थ्रू वायरस आने के चांसेस हैं, जिससे पूरे नेटवर्क में, मेरे TCS के नेटवर्क में पूरे वायरस चल जाएंगे। तो इंटरनेट के थ्रू वायरस आने के चांसेस है, तो ये बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट हो जाता है कि इस वायरस की सुरक्षा कौन करे, इस वायरस से सुरक्षा कौन करे, किसकी जिम्मेदारी है? ये ओनर मतलब एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है, TCS कंपनी की जिम्मेदारी है? अगर TCS कंपनी की जिम्मेदारी है तो इस पर कैसे कंट्रोल लगाए, और एम्प्लॉय इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है, वो तो इसकी पर्सनल डिवाइस है, तो जो मन जाएगा वो वेबसाइट ओपन करेगा। ओके, तो ये भी क्या आ जाता है, इशू आ जाता है इसमें, ब्रिंग योर ओन डिवाइस में। इसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन रिस्क। नेक्स्ट एंड लास्ट रिस्क है हमारा इम्प्लीमेंटेशन रिस्क। सर, हमने बायोड की पॉलिसी तो बना दी, बट अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करें उसकी बात करें। देखिए, रफ रीडिंग, इट इज नॉर्मली एक्सम्प्लीफाइड एंड हिडन दैट वीक बायोड पॉलिसी बहुत वीक है। द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ बायोड शुड नॉट ओनली कवर द टेक्निकल इशू। देखो, जो हम बायोड पॉलिसी बना रहे हैं वो सिर्फ टेक्निकल इशू को कवर नहीं करता है, कि टेक्निकलिटी कि आपके लैपटॉप में ये ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, आपको ऐसे ऐसे देंगे, वो कल टेक्निकल इशूज को केवल टेक्निकल इशू को ही कवर नहीं करता है, बल्कि मेंशन एबव बट ऑल्सो मैंडेट द डेवलपमेंट ऑफ रोबस्ट इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी, बहुत मजबूत, बहुत ही कठोर इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी, जिससे बायोड इम्प्लीमेंट करने की पॉलिसी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज कॉर्पोरेट नॉलेज एंड डाटा आर द की एसेट। कॉर्पोरेट की नॉलेज और डाटा की एसेट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बायोड पॉलिसी वुड फेल टू कम्युनिकेट एम्प्लॉय एक्सेप्शंस। एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करने में फेल हो जाएंगे कि इम्प्लॉयज़ को क्या नहीं करना है, देयर बाय इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ डिवाइस मिसयूज, जैसे डिवाइस मिसयूज हो सकती है। इन एडिशन टू दिस, वीक पॉलिसी फेल्स टू एजुकेट द यूजर। इस वीक पॉलिसी से हम यूजर को एजुकेट करने में फेल हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, वल्नरेबिलिटीज बढ़ेंगी ऑन द एबव मेंशन थ्रेट। जो थ्रेट्स ऊपर हमने मेंशन किए थे ना, जैसे एप्लीकेशन रिस्क, डिवाइस रिस्क और नेटवर्क रिस्क, इन तीनों रिस्क होने की वल्नरेबिलिटीज, खतरा बढ़ जाएगा अगर हमने कम्युनिकेट सही से नहीं किया, क्या बायोड पॉलिसी को सही से बनाया नहीं, कम्युनिकेट नहीं किया, उसके बाद इम्प्लीमेंट सही से नहीं किया तो। क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए, इस क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं।